डोमिनेट कर रहे हैं रियल कश्मीर, तो रियल कश्मीर ने बड़े अच्छे मूव्स उनके बने और बट अनफॉर्चुनेटली वो मिस हो गए। तो रियल कश्मीर की जो टीम है बहुत अच्छा खेल रही है। डीडी खुद पेट को तो ये बताइए, अभी आपको लगता है कि कश्मीर का टैलेंट जिस तरीके से चार लड़के खेल रहे हैं कश्मीर से भी, तो कितना बड़ा टैलेंट है कश्मीर के जो युवा नहीं आ रहे हैं इस खेल? ये तो कश्मीर के लिए बहुत बड़ी बात है कि वो आई लीग में खेल रहे हैं और जो सेकंड डिवीज़न आई लीग में भी हमारी दो टीमें जा रही हैं, लोन स्टार कश्मीर एफसी और हैदरिया, तो वो भी एक इंडिया का एक बहुत बड़ा ये टूर्नामेंट होता है। तो इसके बाद उसके मैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह आई होप कि ऐसे ही लोग उन मैचों में भी आएंगे। तो आगे आपको लगता है कि कश्मीर का फुटबॉल जो है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से अभी बन रहा है, आगे जाकर उनके लिए जो रास्ते हैं खेल के वो खुल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता? जैसे अभी आपके पास यही ग्राउंड है कि जो हम सारे मैचेस प्रैक्टिस प्रोफेशनल क्लब्स की यहाँ ही होती हैं, आई होप कि जो बख्शी स्टेडियम है उसका काम बहुत जल्दी हो जाए ताकि वो एक अच्छा स्टैंडर्ड बने, ग्राउंड बने, और जहाँ पर यहाँ बहुत सारे क्लब्स खोल रहे हैं सेकंड डिवीजन आई लीग, तो उनके लिए भी यही ग्राउंड है, हर एक के लिए यही ग्राउंड है। तो इस ग्राउंड पे बहुत लोड है अभी, तो आई होप कि जो ये एस्ट्रो टर्फ बनी है, आई होप कि ऐसा ही एक ग्राउंड बने बट नेचुरल टर्फ होनी चाहिए। तो आगे अब आपकी मैसेज क्या रहेगी उन लड़कों के लिए, उन युवा के लिए जो फुटबॉल में आना चाहते हैं? Presently, I am affiliated with Kashmir FC, Lone Star, so I am an assistant coach there, second division I-League. अभी हम भी एक initiative ले रहे हैं कि हम भी एक कश्मीरी बच्चों को ही उसमें डाल रहे हैं, तो I hope कि जैसे इस मैच में spectators हैं, I hope कि they will support our club, inshallah. So we are looking forward for to participate in second division I-League. थैंक यू। एक्चुअली इट वॉज़ वेरी गुड एंड अनफॉर्चुनेटली आपने उधरी से बता दिया कि कश्मीर में ऐसी कुछ सूरत हालें होती है, बहुत टाइम के बाद ऐसा कुछ एटमोसफियर देखने को मिल रहा है, आप खुद भी देख सकते हैं कि स्पेक्टेटर्स कितने हैं एंड द गुड इज द रियल कश्मीर एफसी इज बूस्टिंग राइट नाउ। आज की बात करें तो सबसे पहले आप देखें कश्मीर के लोकल हीरो लोकल स्टार दानिश ने पहला गोल किया, उसके बाद कैसा महसूस हुआ आपको? एग्जैक्टली It was then when जब दानिश ने गोल किया एट ए फर्स्ट ने, इट वॉज अ पिन ड्रॉप साइलेंस बिकॉज द कश्मीरीज डिडंट नो what happens. तो इट वॉज वेरी बेस्ट, इट वॉज वेरी इट वॉज स्पेशली इट वॉज वेरी गुड। कश्मीर के यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें जो फुटबॉल के लिए है, तो उसके बारे में काफ़ी शिकायतें लोग कर रहे हैं कि बहुत कम है। प्रॉब्लम तो है, आप देख लीजिए यहाँ पर TRC में एक ही ग्राउंड जो सिंथेटिक टर्फ मतलब मॉडर्नाइज्ड ग्राउंड जिसको हम कहते हैं वो एक ही है अनफॉर्चुनेटली, बट द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द इनिशिएटिव इन बक्स स्टेडियम, इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि बक्स स्टेडियम जल्दी स्टार्ट। युवा के लिए क्या मैसेज रहेगी आपकी जो फुटबॉल में आना चाहते, कुछ कारण की वजह से वो फुटबॉल में नहीं आते, तो उनके लिए क्या मैसेज? माई ओनली मैसेज जो मेरे यंगस्टर्स भाई है जो मेरे एज ग्रुप या मेरे ऊपर है,
मैं उनको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि वो इस फील्ड में आए, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि फुटबॉल का एटमॉस्फेयर, फुटबॉल का कल्चर कैसे कश्मीर में डेवलप हो रहा है, वो इसको एज ए प्रोफेशन भी ले सकता है। क्या जो जो ऐसे स्टैंड्स का नाम लेजेंड्स के नाम पे किया गया, क्या लगता है आपको इससे लोगों को, नए बच्चों को फुटबॉल गेम की तरफ रुझान? यस यस, लाइक दानिश इज आवर हीरो, एग्जैक्टली व्हाई। सर क्या प्रॉब्लम है आपकी? जी सर, ये हमें पहले टिकट दे रहे हैं फिर अंदर नहीं जाने देते, पहले बोलते हैं सिक्योरिटी रीजन है, फिर बोलते हैं वहाँ से ये इनका अपना कुछ इशू है, फिर डीएसपी साहब आते हैं यहाँ पे बोलते हैं कि आप अंदर जाओ, उस गेट से आओ, इस गेट से। सर हम दूर से आए हैं, हम लगभग इस्लामाबाद से कई किलोमीटर दूर आए हैं, बट यहाँ पे फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि सड़क पे बैठो, हम कश्मीर में होके भी अपने ग्राउंड में नहीं जा सकते। अब आपकी डिमांड क्या है? सर डिमांड यही है, एक तो इनके इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं थी, टाइमिंग नहीं थी ना इंटरनेट, ये बोल रहे कि इंटरनेट पे सब कुछ था, इंटरनेट यहाँ पे चल ही नहीं रहा है तो हम कहाँ से देखें, हमारी टाइमिंग क्या पता है कि कितने बजे, हमें पता है 2 बजे मैच है, आज 12 बजे इन्होंने मैच स्टार्ट किया, तो फिर सर हमारी कौन सी गलती है, हमने टिकट खरीदी है चाहे ब्लैक में मिली या कुछ भी, लेकिन खरीदी है, अभी यहाँ पे अंदर नहीं जाने देते सर, यही प्रॉब्लम है। चलो शुक्रिया। नाम मोहसिन है सर। क्या प्रॉब्लम है आपकी? सर सुबह से यहाँ पे बैठे हैं, टिकट लेके अंदर नहीं छोड़ रहे हैं, बोल रहे डंडा चलाओ इनको भगाओ यहाँ से। कितने में आपने टिकट लिया? 100 रुपीज सर। कब लिया आपने टिकट? सर सुबह ही ली थी, फिर तब से मैं यहाँ पे बिजी हो गया, नहीं छोड़ रहे हैं अंदर से। अभी क्या बता रहे गेट पे? मेरे फ्रेंड आया था पहले, उसने टिकट ली थी, अभी बोल रहे हैं जाओ यहाँ से, डंडा चलाओ इनको, धमकाओ, यही आया इनको डंडा चलाना और क्या सर।